हाय, आज मैं फिर से आई हूँ एक और मजेदार रेसिपी लेके, पेरी पेरी ग्रिल फ्राई चिकन। मैं भी इसके डिमांड पे बना रही हूँ, एकदम सिंपल इजी तरीके से बनाऊंगी, मेरे तरीके से बनाऊंगी। तो चलो मेरे किचन पे और मैं बनाती हूँ पेरी पेरी ग्रिल फ्राई चिकन। और सब लोग अच्छे से रहना, बिल्कुल सेफ रहना, घर के अंदर ही रहना और अच्छे अच्छे खाना खाना। चलो अभी मेरे किचन पे और मैं बनाती हूँ चिकन पेरी पेरी ग्रिल फ्राई। तो पेरी पेरी ग्रिल फ्राई चिकन बनाने के लिए बड़े बड़े लेग पीस ले लिया मैंने कट के। ये 1 किलो चिकन है, आप लोग कोई सा भी पीस ले सकते हो। एक चिकन को भी बड़े बड़े पीस में कट के ले सकते हो। तो चिकन को धो के पहले साफ कर लिया। अब हम बनाएंगे इसके मसाला। मसाला बनाने के लिए एक रेड चिली मिलता है मार्केट में, वो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो वो नहीं मिल रहा, अवेलेबल नहीं है। तो ये सूखे वाले जो लाल मिर्ची है ये यूज़ करके भी हम बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ग्रीन चिली भी जो लाल लाल है वो भी ले लिया, और ये सूखा मिर्ची ले लिया 5-6, 3 बे लीफ ले लिया। तो एक ग्राइंडर में सब ले लेंगे हम एक साथ, तेज पत्ता को फाड़ के, और एक चिली, दो टमाटर को टुकड़ा टुकड़ा काट लिया। और इसमें हम डालेंगे ये लेमन जूस, 1 लेमन की जूस, और एक ऑनियन को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया, उसको भी हम ले लेंगे। और ये लहसुन की 8-10 कली ले लेंगे, ये तो मतलब 8 में। और ये अदरक की 1 इंच के अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। इसमें अभी डालेंगे 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, और इसमें मैं ले रही हूँ ऑलिव ऑयल, पानी नहीं मिलाएंगे इसको, इसका पेस्ट बनाने के लिए। चार चम्मच मैंने ऑलिव ऑयल डाल लिया। आप रिफाइंड ऑयल, घी, कोई सा भी ऑयल आप यूज कर सकते हो इसमें। इसके बाद हम डालेंगे ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये तीखा नहीं होगा, ये अच्छा कलर देने के लिए। और इसके ऊपर से हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच मिक्स हर्ब्स, वो 1/2 चम्मच डाला मैंने, ऑरिगेनो 1 चम्मच, और ये चिली सॉस 1 चम्मच। और ये 1/2 चम्मच नमक, थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब मैं इसका फाइन पेस्ट बनाऊंगी सबसे पहले। तो ये मैंने बना लिया, ये पेरी पेरी सॉस। ये मैंने सिंपल तरीके से बनाया, घर में जो सामान है उसी से। इसके लिए थोड़ा रेड चिली चाहिए होता है, और जो मैंने कश्मीरी रेड चिली यूज किया उसके बदले में आपके पास अगर पेपरिका पाउडर है तो आप वो यूज कर सकते हो। पर अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, हर सामान अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इसलिए घर में जो सामान है उसी से मेरे तरीके से सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश की। तो चलो अब मैं मैरिनेट करूंगी चिकन को। तो चिकन को मैंने कट्स लगा लिया था ताकि मसाले अंदर तक जाए। अब सारा मसाला मैं चिकन में डाल दूंगी। और हाथ से अच्छे से कोट करेंगे सारे चिकन में। बाकी का भी मसाला डालेंगे। और अच्छे से कोट करेंगे। तो अच्छे से कोट कर लिया मैं सारे चिकन को। अब मैं इसमें स्मोकी फ्लेवर दूंगी। एक कटोरी ले लूंगी मैं, और ये जो जलता हुआ कोयला को मैं इसमें रखूंगी। इसके बाद मैं इसमें घी डाल दूंगी, डाल के मैं कवर करूंगी। तो इसको मैं ऐसे ही मैरिनेट करके 1 घंटा रखूंगी। आप लोग इसको पूरे नाइट रख सकते हो या 4-5 घंटा भी रख सकते हो। मैं मुझे जल्दी जल्दी बनाना है तो मैं अभी 1 घंटा इसको मैरिनेट करूंगी। तो 1 घंटा हो गया है, और स्मोकी फ्लेवर भी बहुत बढ़िया से आ गया है, और मेरे चिकन भी अच्छे से रेस्ट कर लिया। अब मैं इसको फ्राई करूंगी।
तो फ्राई करने से पहले मैं ऊपर से एक चीज और डालूंगी, लेमन के छिलके को मैंने कद्दूकस कर लिया, इसको मैं डालूंगी ऊपर से, मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो मैंने एक ग्रिल पैन ले लिया, इसमें मैं अभी घी से ब्रश करूंगी। आप लोग चाहो ऑयल से ब्रश करो या ऑलिव ऑयल से भी ब्रश कर सकते हो। अच्छे से ब्रश कर लेंगे चारों तरफ। और आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो ये आप कोई सा भी फ्राई पैन में, कोई सा भी पैन में कर सकते हो फ्राई। तो अच्छे से गर्म हो गया है, मैं अभी एक एक चिकन पीस को उठा के ऐसे सेट कर दूंगी। अभी मैं इसको लो फ्लेम में पकाऊंगी, धीरे धीरे से आराम से पकेगा। दो तीन मिनट के बाद मैं इसको पलट दूंगी। तो पलट के देखेंगे अब हम सारे चिकन को दूसरे साइड से पलट देंगे। और दूसरे साइड को भी अभी अच्छे से फ्राई करेंगे, ऊपर से थोड़ा थोड़ा ब्रश कर देंगे घी से। अब मैं फिर से पलट दूंगी दूसरे साइड को। फिर से फ्राई करूंगी, ऐसे ही पलट पलट के फ्राई करना है चारों तरफ से। फिर से इस साइड को दो तीन मिनट फ्राई करूंगी। तो सारे पीसेस को एक एक करके मैंने उलट पलट के एकदम अच्छे से 20-25 मिनट टाइम लगा पूरा फ्राई करने में, और एकदम अच्छे से ये फ्राई हो गया। तो मैं अभी ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी। और मैं अभी गैस को बंद करूंगी। ये बन गया है मेरा पेरी पेरी ग्रिल चिकन। तो आप लोग भी ऐसे इजी तरीका से बनाओ, एकदम सिंपल तरीका से बनाओ। जो सामान है आपके हाथ के सामने किचन में उसी से बनाओ, फ्लेवर में कोई कमी नहीं आएगा, बहुत बढ़िया बहुत टेस्टी होता है। और एकदम सिंपल और इजी तरीके से मैंने बनाया, मेरे तरीके से एक बार बना के देखना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा। और आप खूब खाओ और खिलाओ बना के, और मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।